Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. So guys, in a previous lecture हमने discuss किया था कि आपके पास जो electromagnetic induction होता है वो कौन से factors पे depend करता है, okay? And then हमने देखा कि आपके पास electromagnetic induction में जो EMF induce हो रहा है उसकी direction क्या होगी एंड उसकी डायरेक्शन किसने दी और उसकी डायरेक्शन बताने वाले लोगों को क्या कहते हैं. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट ऑल आप काइंडली जाएं क्या कहते हैं प्रीवियस वीडियो की साइड थ्रू आवर डिस्क्रिप्शन लिंक जहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी एंड यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. सो बात आती है कि आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया तो आपको एसी जनरेटर की जो वीडियो देखी है आपने अगर देखिए तो कमेंट करके बताओ वो क्लियर है या नहीं एंड शुड आई गो फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑन इट और नॉट. ओके, सो मैंने तो ट्राई किया कि मैं अपने से भी एक अच्छे बंदे को दे दूं आपके लिए. सो या सो आई होप आपको वहां से क्लियर हो चुका होगा. और कोई सवाल है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स है वहां से देख सकते हो, पूछ सकते हो. उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइडेड है, सो पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. आई विल श्योरली हेल्प यू अगर मैं फ्री होऊंगा तो. ओके, अब ऐसे जनरेटर की वर्किंग समझ चुके हैं तो आप आगे बढ़ते हैं इंडक्शन की साइड. 15.7.1 कहता है कि डिस्क्राइब करो सेल्फ इंडक्शन को. ओके, एंड स्टेट करो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है. So here it is. यार ये जो कॉन्सेप्ट जो आई एम गोना टीच यू अबाउट सेल्फ इंडक्शन इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. ओके, और इसकी है ना हम मैं ना एनालॉजी देते हैं विद द इनर्शिया जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हुए. बेटा इनर्शिया को डिस्कस नहीं करेंगे बट इट इज रिलेटेड टू दैट. कहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो इनर्शिया है इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस के अंदर, सही है. या जैसे आपके पास काइनेमेटिक्स डायनेमेटिक्स मतलब मैकेनिक्स में ये जो इनर्शिया थी वो वाली, सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम करती है सेल्फ इंडक्टेंस. सो क्या है, देखो भाई यहाँ पे आपके पास जस्ट दिस वाले डायग्राम देखो, एसी करंट है. ओके, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि एसी करंट में करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, करंट फ्लक्चुएट करता रहता है और करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी कंटिन्यूअली चेंज होती रहती है. ओके, अब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के इर्द गिर्द बन रही हैं ड्यू टू करंट, तो क्या होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो चेंज इन करंट की वजह से चेंज होंगी. Because current is directly proportional to the magnetic field lines, okay? So यहाँ पे जैसे current AC में change होता रहेगा, तो यहाँ पे magnetic field lines change होगी. And change in magnetic field lines की वजह से electromagnetic induction का अमल होगा और EMF induce होगा in this wire. अब उस EMF की वजह से क्या होगा कि ये जो wire है इसमें जो current flow कर हो रहा है उस करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ है, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, सो उसे बीच में जरा अपोजिशन मिलेगी किसकी वजह से, जो कि ईएमएफ करंट इंड्यूस कर रहा है. ओके, सो जो ईएमएफ से करंट इंड्यूस हो रहा है और वो ईएमएफ कहाँ से आया, वो ईएमएफ आपके पास आया थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंडक्शन के क्या कह सकते हैं नतीजे से, जो कि मैंने अभी बताया. सो वो ईएमएफ अपना करंट जरा प्रोड्यूस करेगा और ये जो एसी का करंट आ रहा है वो दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करेंगे. ओके, सो कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो एक कुछ ऐसा फिनोमेना है इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल, इस करंट में जो चेंज इन कॉइल चेंज इन करंट आ रहा है इस कॉइल के अंदर वो इंड्यूस करता है करंट को इसी कॉइल के अंदर. देयरफॉर वी से द इलेक्ट्रो सॉरी सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना in which a changing magnetic field in which a changing current creates a changing magnetic field due to which it induces an emf in itself. ye khud ke andar hi emf induce karta hai. okay,
जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन को रेजिस्ट करना पड़ता है या करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड में ना डिक्रीज आ जाता है। यू कैन सी यहाँ पे जो करंट, ये रेड एरो से आपको बता रहा है जो प्राइमरी करंट है जो कि ना एसी से डायरेक्ट आ रहा है, ओके। और ब्लू जो लाइन सर्कल से ये आपको बता रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो ग्रीन लाइन से दैट इज इंड्यूस करंट, ओके। सो क्या हो रहा है, यू कैन सी रेड जो डायरेक्शन, रेड एरो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये है डायरेक्शन प्राइमरी जो एसी से वोल्ट करंट आ रहा है उसकी, और ग्रीन जो है वो इंड्यूस करंट है। सो ये अपोज कर रहे हैं, सो इंड्यूस करंट अपोजेस प्राइमरी करंट। सो इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सेल्फ इंडक्शन होना, ओके। दिस इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसकी वजह से करंट को रेजिस्टेंस मिलती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कहता है सेल्फ इंडक्शन क्या है, रेशियो है जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका अक्रॉस अ कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, ओके। वी डू नो, अब ये पूरी इसने डेफिनेशन बता दी जो कि आई डिडंट लाइक, सिंपल कहूं तो। जूम आउट करता हूं, या कहता है सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट ड्यू टू चेंजेस इन करंट। ये ना चेंजेस जो है वो एज अ वर्ब नहीं, एज अ नाउन, प्लूरल नाउन यूज हुआ है, ओके। सो ड्यू टू चेंजेस इन अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कहता है सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक ईएमएफ की प्रोडक्शन है या इंडक्शन है, किसकी वजह से वो हो रही है, जो आपके पास करंट में चेंजेस आ रहे हैं, वी नो एसी करंट चेंज होता रहता है उसकी वजह से, ओके। अब बात आती है, हमें ना इसरो में कहा गया है कि यूनिट को भी स्टेट करो। सो इसका यूनिट जो है वो हेनरी होता है, इसको कैपिटल एच से लिखते हैं और कैपिटल एल से ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। सो आप यहां तक सेल्फ इंडक्शन को सीख चुके हैं। नेक्स्ट कम्स डिस्क्राइब म्यूचुअल इंडक्शन एंड स्टेट इट्स यूनिट। सो एक चीज बताऊं, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर्स आपकी गली में लगे हुए हैं, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट एसएलओ है, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड के व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो यहां पे यू कैन सी कि मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, इट इज अ कॉइल, ओके, जिसमें क्या है, ये जो आपको शो कर रहा है, दिस इज शोइंग एसी करंट, ओके। दिस सिंबल जो सर्किल बबल किया हुआ है उसके अंदर ये एस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, इट इज अ सिंबल ऑफ एसी करंट, ओके। अब क्या हो रहा है, करंट इसमें से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और क्या है, एसी करंट है, एसी करंट में क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक, सॉरी चेंज इन करंट होता रहता है एट एवरी सेकेंड, या मतलब है ना कंटिन्यूअली चेंज इन करंट होता रहता है, जिसकी वजह से आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके। जैसा हमने डिस्कस किया सेल्फ इंडक्शन में वैसा ही काम हो रहा है। सो इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उसने बंदे ने क्या किया, उसके बराबर में एक कॉइल रख दी, ओके, और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ओके। अब दिस इज व्हाट कॉइल्स के लूप हैं, तो ये लूप क्या मिलके बना दिए, सोलेनोइड, ओके। और हमने क्या देखा, सोलेनोइड इज अ टेम्पररी बार मैग्नेट, हमने देखा हुआ इसी चैप्टर में जब हमने पहला सेकंड लेक्चर स्टडी किया था, आई रिमेम्बर, उसमें हमने सोलेनोइड को स्टडी किया था। सो जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अमल देखा, वैसा ही काम यहाँ पे होने वाला है, क्या कि ये जो एरिया है ये वर्क करेगा एज अ सोलेनोइड, और सोलेनोइड क्या है, एक टेम्पररी बार मैग्नेट है। सो जैसे ही आपके पास है ना, हम बार मैग्नेट को क्या कर रहे थे, आगे पीछे मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें सोलेनोइड को आगे पीछे मूव नहीं करना, बिकॉज बार मैग्नेट को आगे पीछे मूव करने का क्या मकसद था, कि वी वांटेड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होती रहे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है ड्यू टू एसी करंट, ओके। सो एसी की सप्लाई की वजह से हमें इसे एक पॉइंट पर रख देना है,
देन एक और कॉइल लेनी है, उसमें हमें गैल्वेनोमीटर लगा देना है. देन वी विल ऑब्जर्व के जो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है इन दिस कॉइल, उसकी वजह से इन कॉइल टू यू विल सी द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. कॉइल टू में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, सो जब एक कॉइल में एसी करंट प्रोवाइड करने की वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, सो अब क्या होगा कि आपके पास कॉइल वन है ना, इसे हम देंगे एक नाम, इसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल. सो प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें आप एसी करंट सप्लाई कर रहे हो. ओके, जिसमें एसी करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है. और सेकेंडरी कॉइल वो है जिसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो, जिसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कॉइल वन या प्राइमरी कॉइल की वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल है. ओके, सो विद दिस आपका म्यूचुअल इंडक्शन का जो एसएलओ है वो होता है कंप्लीट. अब बात आती है इसका एसआई यूनिट क्या होगा. सो एसआई यूनिट आप यहां पे देख सकते हैं विद द डेफिनेशन. कहता है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अनदर कॉइल. ओके, हमने यही देखा कि एक कॉइल के अंदर चेंज इन करंट आ रहा है तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. सो ये हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन. इसका यूनिट जो है वो भी हेनरी है. द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी. ओके, हेनरी ही है आपके पास. और आपके पास इसे जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम एम से डिनोट. हम सेल्फ इंडक्शन को डिनोट कर रहे थे एल से, और म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिनोट करेंगे एल से, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन को करेंगे एम से. ओके, सो दोनों का यूनिट सेम है, बस दीप क्या कह सकते हैं सिंबल का वो ऐसे सिंबल ही कहेंगे जिसे हम डिनोट कर रहे हैं. एल फॉर सेल्फ इंडक्शन एंड एम फॉर म्यूचुअल इंडक्शन है. विद दिस आज का एसएलओ होता है कंप्लीट 15.7, जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन अलोंग विद देयर यूनिट्स स्टडी किया. आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन का बटन दबा के मेरा दिल खुश कर दो. एंड या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या कोई सजेशन देनी है, कोई भी मसला है, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन में भी मुझे कह सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बींग कनेक्टेड. बाय.